21 जून को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान के बाद लाखों लोगों के वैक्सीनेट होने के आंकड़े दिखाए गए। आंकड़ों के इन्हीं भ्रमजाल को तोड़ने वाली खबर अब आप देखिए। कोई वैक्सीन लगने के बाद एसएमएस का इंतजार कर रहा है तो किसी को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नाम पर मतदाता पर्ची थमा दी गई, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन महाअभियान के भ्रमजाल में फंसी ये मध्य प्रदेश की जनता है। जिसे 21 जून को महाअभियान के तहत वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। भोपाल के ऐशबाग के रहने वाले साइकिल मैकेनिक नासिर बताते हैं कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज की तारीख पता करने के लिए जब कोविन ऐप पर लॉगिन किया तो किसी और का नाम आया। मैजिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा से मैजिक चलाई गई थी, उसमें वैक्सीनेशन करवाई गई थी, तो उसके वजह से अभी तक मेरा मैसेज नहीं आया है उसमें। जब मैंने अपने नंबर डाल के जब उसमें करा ओटीपी डाली, नहीं मेरा नाम भी नहीं है और ये मेरा आधार भी नहीं है, लेकिन मेरा जब नंबर में अपना डाल के मेंशन कर रहा हूँ तो उस पर ओटीपी आने के बाद मेरे पास ये आया। मतदाता पर्ची दिखाते ये दयाराम पटवा है जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ टीका लगवाया था, लेकिन प्रमाण के नाम पर उनको ऐसा पर्चा थमा दिया गया जिसमें स्थानीय विधायक की फोटो लगी है। वैक्सीनेशन की पर्ची है, वो हमें उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद पर्ची दी थी। क्या कहा? कहा था कि ये जो है बिजनेस, वैसे तो उन्होंने 28 दिन का बोला था, ये तारीख दी थी उन्होंने 9/4 को लग जाएगी। पर मगर फिर कुछ इसके बाद कुछ ऐसे में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आया क्या? नहीं आया, कुछ नहीं आया। इसी मोहल्ले में रहते हैं हरीश नेमा, इन्होंने भी टीका लगवाया है मगर कोविन ऐप में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहला डोज तो लगवा चुका हूँ लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक। एमपी में महाअभियान के पहले दिन 21 जून को 17,42,000, 23 जून को 11,43,000, 24 जून को 7,05,000 और 26 जून को 9,64,000 लोगों को टीके लगे थे। इसके बाद 1 जुलाई को 9 लाख टीके लगाए गए। पूरे राज्य में अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन टीका लगवाने के बाद होने वाली ऐसी गड़बड़ियों से लोग परेशान हैं। उधर सरकार वैक्सीनेशन में गड़बड़ी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती। एमपी के चिकित्सा मंत्री इसे अफवाह करार देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं है। ये सुव्यवस्थित सुचारू रूप से प्रोग्राम चल रहा है, पर उसके बाद भी यदि कहीं कोई इस तरह की त्रुटि सामने आएगी तो उसको दिखवा के ठीक है। ऐसे बड़े बड़े अभियानों के नाम पे जिस तरीके से आंकड़ेबाजी करके लोगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति सरकार और नेताओं में बढ़ गई है, उसी का खामियाजा भुगत रही है आम जनता। इस अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि कई दिनों के पुराने आंकड़े मिला के एक दिन में समाहित किए जाते हैं जिससे एक बड़ा आंकड़ा दिखे और सरकार की वाहवाही हो। ABP News आपको रखे आगे।